हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो फॉर और वाइल लूप हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको जंप स्टेटमेंट समझाऊंगा। जंप स्टेटमेंट्स यानी कि किस तरीके से आप ब्रेक और कंटिन्यू को अपने पाइथन के प्रोग्राम में यूज़ करेंगे वो आपको समझाऊंगा। उनका यूज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो ब्रेक क्या करता है कि फॉर लूप क्या है, जैसे कि कोई भी लूप है फॉर या वाइल, वो रिपीट होगा। लेकिन अगर आपने फॉर या वाइल इन दोनों में रेंज या फिर कंडीशन के अलग कोई और एक को कंडीशन दे दी है, क्लियर, तो उस थर्ड यानी कि उस वो जो सेकंड जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से जो लूप है वो फिनिश होगा। रेंज के हिसाब से या फिर जो कंडीशन है वाइल वाली उसके हिसाब से फिनिश नहीं होगा, यानी कि आपने जो अलग से जो एक और कंडीशन दी है उसके हिसाब से फिनिश होगा। देखते हैं कैसे। सपोज कि मैं ये प्रोग्राम लिखता, क्लियर, यानी कि ये प्रोग्राम लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है यहाँ पर प्रिंट आई, सिर्फ ये दो लिखे हुए हैं स्टेटमेंट, बाकी इग्नोर करो। अगर तो क्या आउटपुट आएगा, 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर 10 तक आउटपुट आएगा 1, क्लियर। लेकिन मैंने इसमें चेंजेस कर दिए, मैंने प्रोग्राम क्या बना दिया है, अब ये जो i की वैल्यू है वो 10 तक नहीं जा पाएगी। देखो कैसे हम वैल्यू ट्रैक करते हैं एक i की, क्लियर, तो पता चल जाएगा आपको। i की वैल्यू पता चली, भाई i की वैल्यू है 1, यहाँ पर आया उसने देखा i, अब लूप के अंदर हमने क्या लगाया, इफ कंडीशन चलता है, क्लियर। हमने क्या करा, i की वैल्यू 1 थी, i छोटा है 5 से, ये ट्रू हो गया, तो इसका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा 1 आ गया, तो else पर जाएगा ही नहीं, ये कोड हो गया एक बार। अब दूसरी बार इधर आया प्रोग्राम डायरेक्ट यहीं से, i की वैल्यू हो गई 2, फिर भी ट्रू हो गई कंडीशन, क्लियर, तो अब ट्रू ही है तो ट्रू प्रिंट, ऐसे 3 भी प्रिंट हो जाएगा, ऐसे 4 भी प्रिंट हो जाएगा। अब हो जाएगी i की वैल्यू 5, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है 5, उसमें क्या होगा, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो else पर आएगा। else क्या कर देगा, लूप को ब्रेक कर देगा, क्लियर भाई, जब इसकी ये कंडीशन नहीं हुई तो एल्स का जो भी स्टेटमेंट होगा वो अपना काम करेगा ना, भाई ये कंडीशन ट्रू हो रही थी तो इसका जो ब्लॉक्स था, इसका जो इंस्ट्रक्शन थे वो काम कर रहे थे, अब इसका फॉल्स हो गया तो ऑब्वियस सी बात है एल्स में जो होगा वो अपना काम करेगा। तो भाई ब्रेक, जैसे प्रोग्राम ने देखा ब्रेक, वो क्या करेगा, लूप पर ब्रेक मार देगा, लूप आगे रिपीट नहीं होगा, क्लियर, तो इस प्रोग्राम की वैल्यू 4 तक आकर रह जाएगी। अब अगर मैं यहां से ब्रेक हटा दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई नहीं करते हैं, कुछ और प्रिंट करा देते हैं, नंबर इज ग्रेटर देन 5, नंबर इज ग्रेटर देन 4, क्योंकि 4 से बड़े नंबर ही तो आएंगे। अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 तो ऐसा आ जाएगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी 4 के अंदर वाली, जैसे ही 5 आया फॉल्स, क्या आ जाएगा, नंबर इज ग्रेटर देन 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर जैसे दोबारा आया, दोबारा इसने क्या देखा, ये कंडीशन फॉल्स, तो एल्स का प्रिंट हो जाएगा नंबर इज ग्रेटर देन 4, ये रिपीट होगा। तो मेरे को इस प्रोग्राम को बताने का मतलब ये था कि ब्रेक का काम क्या है, जो कंडीशन आपने दी है उस कंडीशन के बेसिस पर वो लूप को वहीं के वहीं तोड़ देता है, क्लियर। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे ये मैं लिखता हूं प्रिंट, अभी तो मैंने ब्रेक कहां पर यूज किया था, डायरेक्ट इफ कंडीशन में, पर अगर इफ एल्स ना यूज करके मैं अलग से कंडीशन दे देता हूं, If i is equal to 9, मैंने क्या करा, मैं प्रिंट करा रहा हूं, लेकिन जैसे ही i की वैल्यू 9 होगी क्या कर देगा प्रोग्राम, उसको ब्रेक कर देगा लूप को, क्लियर। यहां पर आया, पता चल गया i की वैल्यू 1 से 10 तक है, यहां पर आया i की प्रिंट करा दी 1, इधर आया इसने देखा i की वैल्यू 9 नहीं है, ये फॉल्स, तो इधर भी नहीं आएगा, फिर वापस इधर गया, इधर आया वहां से i की वैल्यू कितनी हो गई, जब यहां पर आया i की वैल्यू हो गई 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा, ऐसी करके 3, 4, 5, 6, 7 तब तक ये फॉल्स होती रहेगी, जैसे ही i की वैल्यू 9 हुई तो यहां पर इंक्रीमेंट हो गया 9,
9 हो गया, अब 9 प्रिंट हो गया, 9 प्रिंट यहां पर आया, उसने देखा आई की वैल्यू 9 है, कंडीशन हो गई ट्रू, प्रोग्राम कर दिया ब्रेक। तो 10 भी प्रिंट होना चाहिए था ना, अगर मैं ये दोनों हटा दे रहा हूं तो 10 भी प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन 9 होकर ही रह गया। तो ब्रेक ने यहां पर क्या करा है, अपना काम करा है। जैसे ही आपको कंडीशन दो, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो ब्रेक क्या कर देगा, उस पूरे लूप को, मतलब ये जो पूरा इटरेशन है इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। क्लियर? तो ये था ब्रेक किस तरीके से यूज करना है आपको अपने पाइथन के प्रोग्राम में। अब बात करते हैं हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की। कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरीके से यूज करना है, बहुत ही इजी होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि टेबल प्रिंट करिए, 1 2 का टेबल प्रिंट करो, लेकिन 2 के टेबल में मुझे ऐसे चाहिए, मतलब कुछ डिजिट्स है जो मुझे नहीं चाहिए। क्लियर? तो ब्रेक क्या करता है, जहां जैसी कंडीशन मैच करेगी वैसे ही आगे के जितने भी रिपीटेशन होंगे उन सबको कैंसिल कर देगा, मतलब उन्हें हटा देगा। कंटिन्यू क्या करता है, जो कंडीशन मैच होती है सिर्फ उसी रिपीटेशन को ब्रेक करता है, जिस रिपीटेशन में कंडीशन मैच करती है सिर्फ उसी रिपीटेशन को क्या करता है, कैंसिल करता है, और बाकी आगे के रिपीटेशन में जंप कर जाता है। क्लियर? देखते हैं कैसे। तो ये हमें चाहिए, तो इफ एक्स इक्वल टू, मैं इतने सारे ना लेके 2 का टेबल 10 देखते हैं, यहां तक ले लेते हैं, ठीक है? तो छोटा बनेगा और इजीली समझ में आ भी जाएगा। तो मेरे को इसमें से 6 हटाना है और 8 हटाना है। क्लियर? इफ एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स नहीं आई, या फिर इसको पहले हम भाई कैलकुलेट तो कर ले, तो टी नाम से ले लिया हमने एक, यहां पर 2 का टेबल बना रहे ना, तो 2 ले लिया एक्स इंटू आई। तो पहले क्या होगा, अभी 2 है, I की वैल्यू 1, तो T में आएंगे सारे एक एक नंबर, इफ T इक्वल टू 6 हटाना है ना, 6 कंटिन्यू इफ T इक्वल टू 8 कंटिन्यू, और बाकी क्या कर देना है हमें, प्रिंट T कर देना है। इसका आउटपुट क्या आएगा, बिल्कुल यही आएगा। मतलब हमने क्या करा, देखो मैं यहाँ पर T इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को यहाँ पर T रखना पड़ेगा, और T बार बार चेंज हो रहा है, पहले 2 होगा फिर 4 होगा, इसलिए मैंने क्या करा, एक जो यहाँ पर जो आउटपुट आएंगे ना उनको एक ही वेरिएबल में ले लिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर? अब ये देखो, x की वैल्यू 2, I इन रेंज I से 11 तक, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, क्या इक्वल है 6 के, फॉल्स हो गई कंडीशन, इधर भी फॉल्स हो जाएगी, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, I की वैल्यू हो गई कितनी 2, I की वैल्यू 1 थी ना, अब I की वैल्यू 2 हो जाएगी, इधर आए 2 इंटू 2 4, फॉल्स कंडीशन, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, 4 प्रिंट। I की वैल्यू हो गई 3, अब क्या होगा 2 इंटू 3 6, इधर आया 6 इक्वल टू, मतलब T की वैल्यू 6 है तो 6 कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, कंटिन्यू कर देगा, मतलब अब जो प्रोग्राम जो एक एक करके ऐसे आ रहा था, ठीक है, अब वो क्या करेगा, यहाँ पर उसने देखा कंटिन्यू, तो वापस ये इधर पहुंच जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा। क्लियर? I की वैल्यू 6, T की वैल्यू 6 आगे थी ना, I की वैल्यू 3 हो चुकी थी, अब I की वैल्यू हो जाएगी 4, 2 इंटू 4 8, इसने क्या देगा, नहीं है, T की वैल्यू 8 इक्वल्स टू 6, गलत, तो ये कंडीशन फॉल्स, नीचे आया, अब उसने देखा 8 इक्वल टू 8, हाँ ये कंडीशन ट्रू हो गए। तो हमने क्या करा, दोनों वैल्यू जो जो हमें हटानी है वो हमने कंटिन्यू करवा दी है भाई,
चेक करवा लिए कि जो हमें आ रही है अगर वो इसके इक्वल है तो वो रेपिटेशन कैंसिल कर दूं, तभी हमने प्रिंट यहाँ नीचे दिया है। अगर प्रिंट ऊपर देते ना तो जैसे ही टी की वैल्यू कैलकुलेट हो रही थी वैसे के वैसे प्रिंट हो जाती, तो इस कंडीशन में क्या होता, 6 भी आ जाता 8 भी आ जाता। लेकिन हमें वही तो नहीं करना था, ताकि 6 आए और 8 आए तो उनको पहले हटा दो, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पहले हट जाएंगे तब लास्ट में जाके हमने प्रिंट किया। तो ध्यान रखना है कहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट दिया है, कौन सा स्टेटमेंट ऊपर रखने पर क्या वैल्यू आ रही है, कौन सा स्टेटमेंट कहाँ रखने पर क्या आ रहा है, क्लियर। ये लॉजिक लगाना है और वैल्यू ट्रैक करना है एक एक वेरिएबल की बिल्कुल सही से, क्लियर। तो कंटिन्यू और जंप स्टेट, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट आपको अच्छे से आ चुके हैं, क्लियर। ये दोनों क्या करते हैं, हमें जंप कराते हैं आउट ऑफ लूप, मतलब लूप को टर्मिनेट कर देते हैं, क्लियर।